गेहूँ बोया था, काटा है, मूंग कब लगाओगे? मूंग नहीं लगता। ठीक, टिकट ले लिया 210 दी पई, टिकट ले लिया, टिकट पई 210 दी अप डाउन दी, ये सिंगल दी क्या 170 दी पैंदी है अप डाउन। ठीक है, अपने को टाइम नहीं है, नहीं तो आप तुर के जाना सी, तुर के जाना बखरा ही नहीं आ रहा हूँ, और अपने को समय नहीं है, वापसी घर भी जाना, घर जाने आप रात को 11:30 बज जाने, ये करके आप रास्ता चूज किया, कड़ा जगाड़ है इन्होंने घूम के टाइम खुला घूमना, थले गियर बॉक्स लगे हुआ है, मोटर लगी हुई है, 25 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, बाकी देख रहे हैं की बनता, चल भी चली हूँ आ गई अपनी बारी। मैं जलो भाखड़े तो तुरया से ना, मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना गर्मी बहुत सी, सफर खिंचना भी है, वापसी भी जाना वा, थोड़ी जी बनाई थी जानू गणपति, फिर मैं इतने उतर के टिकट करने लग गया थोड़े सामने, गर्मी बहुत है, समय नालों पहला बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर का नजारा दिखाने सारा पिछे गोबिंद सागर है जिहड़ा दिखता पाया तुम्हें, जंगल ही है सारा ये बनिया हुआ, उधरों आया मैं, अगड़ी पहाड़ी जी दीदी है ना कट्टी वट्टी, एवं आया मैं सारे रास्ते, कदे थले नूं आए ते कदे उत्ते नूं चढ़ जांदा सी, आया मैं एवं सारा रास्ता, नजारा भी आउंदा वा, उतरने दे दर्शन करते हैं माता नाल, फिर इत्थे आउणा वापस आपां दोबारा इक बार दर्शन करते हैं। माता नाना देवी मंदिर से जरा बाजार ये आप नंगे जाने एस्टाबाग पहुंच चुके हैं माता नाना देवी जी के मंदिर, दर्शन कर लिया, वीडियो बना नहीं देंगे आप बनाई हुई, दर्शन कर चुके हैं तो बैठे हैं परिक्रमा के बीच, परिक्रमा करते हैं तो सैकल चक रहे हैं, तो सैकल चक रहे हैं जिसमें की बाबा बुद्ध बाबा गुप्ता फिर उस रास्ते की मिलते हैं। इसे लिखा है प्राचीन गुफा, प्राचीन गुफा, हाँ इस गुफा की लंबाई लगभग 70 फुट है, कृपया अपनी बारी आने पर इंतजार करें। हिंदी पढ़ लेने अपन निक नाले बढ़िया। लाल जी कड़ी कोविड करके गुफा तो बंद की थी, अंदर जाके दर्शन नहीं करवाए, हुण आपां वापसी करती है, चलदे रुकवे ते थले चलदे ते चकने सैकल अगले सफर की फिर तैयारी करते हैं।
आ गई मशीन। आगे निकी भैन पिछे माता नैना देवी का मंदिर। हिमाचल प्रदेश दे विच जिहड़ी पौड़ानी नूं खेती कीती जांदी है वह सामने रही। कुछ कु वड्डी हुई है कणक, कुछ कु रहिंदी है जी। जिवें बंदा ठंडे मठे आके कट लैंदा हुंदा उस हिसाब दा वा। इस वक्त आप माता नैना देवी जी तो कीटपुर जाने पे हैं ते अपने ब्रेक का नट गिर गया। नट तो गिरा सी नाल ही लवे बंदा मिल गया। ये तो करा के दी मरम्मत अगे चलते हैं रास्ते विच। लगता नहीं पाया क्योंकि सीधी ढलाई है थले जो नहीं लगता पाया, पर गर्मी करके थोड़ा जहा हों पा वा ये करके रोक के सह लेना पा थोड़ी देर। एरिया बहुत शानदार है, नज़ारा आखड़ा अपना शेरखड़ा वा। आ इलाका देखो सारा पहाड़ी है, सीधी ढलाई है जिम्मे जाता पा ना मोटरसाइकिल। बस एवं ढलाई हुई है, आ गड्डी आ गई, ये बस एवं ढलाई हुई है सारी। सह तो चढ़ता नहीं, कुछ नहीं हों। बस ये आ गर्मी करके ना थोड़ा जहा काम खराब होता पे, बस कली गर्मी करके दिक्कत होंगी भी और कोई गल नहीं। गर्मी है ही बहुत, पारा देखा सी मैं 41 डिग्री सी, पारा देखा सी गर्मी वाला मैं 41 डिग्री पहुंचाया सी, इन्नी गर्मी है। अब भाई होनी है एमपी तो आए ने। एमपी केड़ा एरिया बरे, कौन सा एरिया? हरदा हो गया, हरदोई हो गया, खंडवा ठीक है। आ भाई खंडवे तो आए ने, खंडवा एमपी, क्या बात है भैया। हम भी जाते हैं तुम्हारे उधर गाड़ी लेके एमपी। गेहूं काटा है? चना बोया था? गेहूं बोया था, काटा है? मूंग कब लगाओगे? मूंग नहीं लगता, ठीक है। जय माता दी। भाई उड़ी एमपी तो आए ने, ते अगे किधर जाना भाई? वैष्णो देवी, ठीक है। जानी महीने महीने का टूर कट के चले हो हैं? एक महीने का टूर, ठीक है ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। भाई होनी एमपी तो आया, की जी खंडवा? खंडवा चलो आप आने चल इतो। अड़ी किन्ने जने हो? है 25-30? हाँ भैया 25-30 जने हैं मुंडे। इतो रहा तो दसा गया वीरवा कि चंडीगढ़ आनंदपुर साहब इधर नूं आ, क्रियाट बोर्ड ते गऊ वाले इधर नूं आ। आपां पहुंच चुके हां टुब्बा, बस सीधे ही जाना ते आ दसदा
ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਪਾ, ਕੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਪਾ ਵਾ ਇਹ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਪਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਪੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ, ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸੱਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰਹੱਦ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਮਪੁਰ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ।